Now next one, this is the another example based on pointer to an array. In that case, we are defining simply integer array with size 9 or having 9 elements. Second case में provide क्या किया, just pointer declaration, लेकिन इस case में pointer का type क्या है? In that case, pointer is a pointer to an array. से just पहले मैंने two case comments में provide किया गया, क्योंकि ये दोनों case कैसे invalid. Means some compiler may raise warning, some compiler may raise compile time errors. Means suspicious pointers conversion, like that. जैसे इस केस में इसका डायग्राम मेंशन कर रहा था, इस केस में अगेन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दैट केस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंटर टू एन एरे. वन मोर थिंग्स, पॉइंटर टू एन एरे के केस में स्पेशली इसका एक और यूज किया, पॉइंटर टू एन एरे के थ्रू टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना पॉसिबल है. सपोज दैट अगर आपके पास वन डायमेंशनल एरे है, देन वन डायमेंशनल एरे सिंपली ऑर्डिनरी इंटीजर पॉइंटर्स के थ्रू आपके लिए प्रोसेस करना पॉसिबल था. लेकिन सपोज दैट अगर आपका टू डायमेंशनल एरे है, देन टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को प्रॉपरली टू डायमेंशंस के फॉर्म में सिंगल पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं. लेकिन सेम केस 2D array के elements completely और properly pointer to an array के through process करना possible होगा. जैसे 2D array के elements को given pointers के through या pointer to an array के through किस तरह से process करें, इसके लिए just मैं next example, next case में next example provide करूँ. इस case में just current example discuss करेंगे. इस current example के case में आप देख सकते हो कहीं मैंने 2D array define किया, फिर भी इस pointer के through array के element कैसे access किए, like टू डायमेंशनल एरे. क्लियर, इस 2D एरे को जस्ट रिप्रेजेंट करने का मेन पर्पज क्या है, एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशनल एरे इन केस ऑफ पॉइंटर टू एन एरे. इन दैट केस फर्स्ट वन, सबसे पहले डिफाइन किया हो रहा है इंटीजर एरे ए. इस एरे के केस में बात करें तो एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, टोटल 9 एलिमेंट इज देयर. देयर आर 9 एलिमेंट्स. इस केस में जस्ट मैं बिगिनिंग में ही मेंशन कर रहा हूं, एरे डायग्राम. इसे एरे के केस में एरे का साइज क्या है, जस्ट 9. स्पेशली यहां रखना प्रीवियस प्रॉपर्टी जो कि मैं ऑलरेडी आपको कई बार मेंशन कर चुका हूं. सपोज दैट आपके पास कोई ब्लॉक है लाइक दैट. इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. अगर इस ब्लॉक का बेस एड्रेस 100 है, देन इस केस में एक और लोकेशन क्रिएट होगा स्टार 100. देन स्टार 100 हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट का नेम ओनली, हो सकता है स्टार 100 बिगिनिंग टू एलिमेंट्स का नेम. बिगिनिंग टू एलिमेंट्स का भी नेम क्या होगा, स्टार 100. और बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स का भी नेम क्या होगा, ऑल्सो स्टार 100. और इस कंप्लीट ब्लॉक का भी लॉजिकली नेम क्या होगा, ऑल्सो स्टार 100. क्लियर, तो स्टार 100 जरूरी नहीं कि एवरी टाइम ये फर्स्ट एलिमेंट का ही नेम होगा, फर्स्ट रो का नेम होगा. डिपेंड करेगा आप स्टार 100 किस वेरिएबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई कर रहे हो. मींस वन डायमेंशनल एरे के लिए अप्लाई हुआ, 2D एरे के लिए. इसलिए स्टार 100 और स्टार n के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट केसेस के मीनिंग डिफरेंट होंगे. जस्ट एक केस आपके लिए तभी कवर करना पॉसिबल अगर आपको प्रीवियस प्रॉपर्टीज क्लियर है. तो सेम प्रॉपर्टी जस्ट मैं इस केस में यूटिलाइज करूंगा, इसलिए मैंने मेंशन किया था. मींस बिगिनिंग एड्रेस अगर n है तो स्टार n फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम हो सकता है, फर्स्ट n एलिमेंट का भी नेम क्या होगा, ऑल्सो स्टार n. तो नेक्स्ट के फर्स्ट केस में जस्ट एरे क्रिएट हुआ था a. इस एरे a के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स. जस्ट एरे के अंदर मैं 9 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी स्पेस डिक्लेयर कर रहा हूं. इस केस में इस एरे का जस्ट नेम क्या था, a. फर्स्ट केस में वैल्यूज आने हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एड्रेस. और इस लोकेशन का बेस एड्रेस 100 है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस करस्पॉन्डिंग 102 104 6 108 110 112 114 116. क्लियर, इस ब्लॉक का कंप्लीट नेम क्या था, ए. नेक्स्ट वन, सेकेंड केस बात कर रहे हैं इसे एरे नेम की, इसमें एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, देयर आर 9 एलिमेंट. तो इसका साइज क्या बाइट्स में, 18 बाइट्स. फर्स्ट केस, ये फर्स्ट असाइनमेंट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था. रीजन, इसके सब पॉइंटर डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग पॉइंटर के थ्रू कितने एलिमेंट पॉइंट करना पॉसिबल है, 3 एलिमेंट. 3 एलिमेंट मीन 6 बाइट्स. दिस पॉइंटर कैन पॉइंट 6 बाइट्स. लेकिन इस प्लेस पर आसान क्या हुआ, एरे नेम. और एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट होता है, बेस एड्रेस. लेकिन ये बेस एड्रेस होल एरे का हुआ है या पार्ट ऑफ एरे का हुआ है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या, ओनली फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस. और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है, 2. एरे नेम से कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट हो, जस्ट 2 बाइट्स. या कॉम्पिटिबल असाइनमेंट है, इनकॉम्पिटिबल, इनकॉम्पिटिबल. क्योंकि पॉइंटर के थ्रू 6 बाइट पॉइंट हो रहे हैं, जबकि एड्रेस कितने बाइट्स का असाइन कर रहा है, कंपाइलर के अकॉर्डिंग ओनली 2 बाइट्स.
इसलिए रेज क्या हुआ, आइदर वार्निंग और कंपाइल टाइम एरर। इसलिए मैंने ये केस कमेंट्स में प्रोवाइड किया जिससे आपके लिए नेक्स्ट टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। सेम है सेकंड केस, सेकंड केस में पॉइंटर डिक्लेरेशन सेम है, तो पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे, 6 बाइट, लेकिन एड्रेस ऑफ ऐसे कर अपने वो होल एरे का एड्रेस, होल एरे की बात करें तो एरे का साइज क्या है 18 बाइट्स, तो इससे कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है, जस्ट 18 बाइट्स। अगेन कॉम्पटेबल और इनकॉम्पटेबल, इनकॉम्पटेबल असाइनमेंट्स मीन्स इस पॉइंटर के थ्रू ओनली 6 बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल, जबकि एड्रेस कितने बाइट्स का असाइन हो रहा है, लॉजिकली 18 बाइट, देयरफॉर इट इज इनवैलिड असाइनमेंट। तो इस केस में जस्ट आप असाइनमेंट प्रोवाइड करो, डायरेक्टली असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। इस केस में रिक्वायर्ड किया हुआ टाइप कास्टिंग। अगर एरे के केस में एरे का साइज भी 9 होता देन इसके लिए डायरेक्टली असाइनमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ दोनों के साइज कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए अगेन इस प्लेस पर बात करें तो एड्रेस ऑफ ही, एड्रेस ऑफ ए से कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट होगा 18 बाइट्स, लेकिन 18 बाइट का एड्रेस कितने एलिमेंट्स में टाइप कास्ट हो रहा है, इंटीरियर टाइप के पॉइंटों में कितने एलिमेंट्स, एरे के कितने एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, 3 एलिमेंट मीन्स 6 बाइट्स। इसका पहले कन्वर्जन किस में हुआ 6 बाइट में, देन असाइनमेंट भी किस में हो रहा है पॉइंटर में, पॉइंटर के थ्रू भी कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल ओनली 6 बाइट, सर टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग असाइनमेंट कैसा है वैलिड। तो नेक्स्ट टाइम एक पॉइंटर क्रिएट हुआ पी, पी की बात करें तो पी का साइज क्या रहेगा, पी का साइज क्या रहेगा जस्ट 2 बाइट्स, लेकिन इसमें असाइन क्या हो रहा है एड्रेस ऑफ ए विच इज 100, तो पी 100 लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन पी 100 से कितने एलिमेंट्स पॉइंट करेगा, ओनली बिगिनिंग 3 एलिमेंट्स, ओनली बिगिनिंग 3 एलिमेंट्स। बिगिनिंग 3 एलिमेंट्स का नेम क्या होगा लॉजिकली इस केस में, जस्ट स्टार पी ब्रैकेट्स के फॉर्म में, स्पेशली याद रखना ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, स्टार पी के रिस्पेक्ट में जस्ट फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा स्टार पी ऑफ 0 स्टार पी ऑफ 1 सिमिलरली स्टार पी ऑफ 2। स्टार पी ऑलमोस्ट किसके सिमिलर है, ए के, बस डिफरेंस क्या है स्टार पी ओनली बिगनिंग 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए इसे कंप्लीट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में स्टार पी के प्लेस पर आप यूज क्या कर सकते हो ऑल्सो ए, तो इसका मीनिंग क्या ए ऑफ 0, स्टार पी ऑफ 0 सिमिलर टू ए ऑफ 0 ए ऑफ 1, लेकिन लीगली इस पॉइंटर के थ्रू ओनली 3 एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल है, लेकिन इंक्रीमेंट करा के रिमेनिंग पार्ट भी एक्सेस करना पॉसिबल है। जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था ऑर्डिनरी पॉइंटर लाइक दैट, अगर आपके पास कोई एरे है इंटीजर एरे ए 5, इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने 5, पॉइंटर क्रिएट किया पी और पी के अंदर असाइन कराया ए का एड्रेस, तो एरे के अकॉर्डिंग एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने जस्ट 5 एलिमेंट्स, और पॉइंटर पी के थ्रू कितने एलिमेंट्स पॉइंट होंगे असाइन कर रहा बेस एड्रेस ओनली, पॉइंट स्टार भी कितने एलिमेंट्स का नाम है ओनली फर्स्ट एलिमेंट का, लेकिन पी में इंक्रीमेंट करा के अदर एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल। अगर आप राइट डाउन करते हो पी प्लस 1 तो इसे रिप्रेजेंट क्या हुआ नेक्स्ट एलिमेंट, सेम है पी प्लस 2 से अगेन नेक्स्ट एलिमेंट, तो इंक्रीमेंट करा के रिमेनिंग एरे भी एक्सेस करना पॉसिबल सेम एज इन दैट केस, मीन्स लीगली पी के थ्रू ओनली बिगनिंग 3 एलिमेंट्स पॉइंट, लेकिन पी में इंक्रीमेंट करा के रिमेनिंग पार्ट भी एक्सेस करना पॉसिबल है। क्लियर, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में डिस्प्ले कराया प्रिंट एप के थ्रू जस्ट आउटपुट, प्रिंट एप के थ्रू फर्स्ट केस में डिस्प्ले किया गया पी ऑफ 0 पी ऑफ 1, तो क्लियरली आपको शो रहा पी 0 में क्या स्टोर है 1 और पी ऑफ 2 में क्या स्टोर है जस्ट 2, फर्स्ट प्रिंट एप में डिस्प्ले क्या हो जाएगा 1 एंड 2, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट आप परफॉर्म किया गया पी प्लस प्लस, तो जैसे पी में इंक्रीमेंट हुआ इस पी के थ्रू करंटली 6 बाइट पॉइंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट भी कितने से हुआ ऑल्सो 6, तो इस केस में न्यू एड्रेस क्या हुआ प्रीवियस एड्रेस क्या था 100 और 100 इज रिप्लेस्ड बाई 106, जैसे इस केस में 106 असाइन होगा तो इमीडिएटली सेम पॉइंटर वेरिएबल अब किस प्लेस से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 106 ऑनवर्ड्स मीन्स दैट प्लेस, और 106 ऑनवर्ड्स अगेन कितने एलिमेंट्स पॉइंट कर सकता है ओनली बिगिनिंग 3 एलिमेंट और 6 बाइट्स, तो अगेन बिगिनिंग 3 एलिमेंट्स का नेम क्या हो जाएगा स्टार पी, क्लियर। नेक्स्ट टाइम स्टार पी किसका नेम है दैट ब्लॉक, एक और कैसे याद रखना अगर कहीं भी स्टार पी जो होता है तो स्टार पी इस ब्लॉक का नेम है, सिमिलरली ए बी क्या है ब्लॉक का नेम है, ए कंप्लीट ब्लॉक का नेम है लेकिन स्टार पी ओनली 3 एलिमेंट का नेम है, जिस तरह से ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा इसे एरे के ब्लॉक का बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, सेम अगर कहीं भी आप डायरेक्टली स्टार पी यूज कर दो ओनली स्टार पी तो स्टार पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा इस ब्लॉक का बेस एड्रेस, मीन्स स्टार पी के प्लेस पर रियल में क्या रिप्लेस होगा 106, क्यों स्टार पी क्या है इस ब्लॉक का नेम, ब्लॉक नेम से क्या रिप्रेजेंट होगा ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 106, और 106 कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है इसके इसमें देखा जाए तो 106 फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस हो सकता है, फर्स्ट 2 एलिमेंट का भी एड्रेस पॉसिबल है,
106 इस पूरे 3 एलिमेंट का भी ब्लॉक का नेम पॉसिबल होगा, लेकिन करंट केस में 106 स्टार पी के रिस्पेक्ट में 106 कितने बाइट का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 बाइट, इसलिए स्पेशली याद रखना 106 कितने बाइट का एड्रेस है, 2 बाइट्स। अगर आप स्टार पी में 1 से इंक्रीमेंट कराते हो तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से, क्लियर, क्योंकि स्टार पी से कितने बाइट का एड्रेस रिप्रेजेंट, 2 बाइट का, तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, जस्ट 2। प्रॉपर्टी याद रखना, जस्ट नेक्स्ट केस में इसको यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन P++ के जस्ट बाद अगेन क्या प्रिंट एफ, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ में फिर से क्या डिस्प्ले कराया, फर्स्ट वन स्टार पी जीरो, तो इस केस में स्टार पी इस पूरे ब्लॉक का नेम है, तो इस फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी ऑफ वन। प्रीवियस केस में स्टार पी मीन्स पी में क्या था 100, इसलिए स्टार पी जीरो 100 लोकेशन का नेम था और स्टार पी ऑफ वन 102 लोकेशन का नेम था, लेकिन जैसे इसमें एड्रेस चेंज होगा तो करेस्पॉन्डिंग प्लेसेस के भी नेम्स लॉजिकल नेम्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो इस केस में डिस्प्ले क्या होगा, स्टार पी जीरो में करेंटली कैसे हो रहा 4 और स्टार पी ओ वन में कैसे हो रहा 5, क्या गया इस केस में 4 और 5, लेकिन इस केस में एक और एलिमेंट डिस्प्ले कराया है एज ए 2 डायमेंशनल एरे, ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, एज ए 2D एरे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग 2 डायमेंशनल एरे, चेक करना इस केस में करेंटली डिस्प्ले क्या हुआ, इसको जस्ट आप प्रोसेस कर सकते हैं एज ए पॉइंटर्स को फॉर्म में जब इसको ओपन करोगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन है आपके पास ए ऑफ आई ऑफ जे, उसका इंटरचेंज मीनिंग क्या रहेगा, जस्ट स्टार ए प्लस आई प्लस जे, क्लियर, सेम केस यहाँ आई और जे के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो 0 0, तो इसका कन्वर्जन क्या है, स्टार ए के प्लेस पर जस्ट ऑफर क्या हुआ है पी +0 +0, क्लियर। अगेन फिर से आपको चेक करना होगा कि करेंटली स्टार एन कितने फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में क्या जस्ट पी, तो पी इस केस में कंसीडर क्या रह जाए 2D एरे, यहाँ तो 0 से एडिशन हो रहा है तो इससे कोई चेंजेस भी नहीं होंगे, फाइनली क्या आएगा इस केस में स्टार फर्स्ट टाइम क्या है P+0 इज सिमिलर टू पी, और पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, पी में क्या स्टोर है 106, तो स्पेस पर क्या मीन्स रिप्लेस क्या हो 106 +0 क्या आएगा ऑल्सो 106, इट इज सिमिलर टू लाइक दैट, क्लियर अगेन, लेकिन इस केस में स्टार 106 से रेफर क्या हो रहा है, ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार 106 इज सिमिलर टू स्टार पी, मीन्स इस केस में स्टार 106 जस्ट इस लोकेशन का एड्रेस क्या है 106, तो इस एलिमेंट का फर्स्ट इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम क्या हो सकता है *106, क्लियर, और *106 इस पूरे ब्लॉक का भी नेम क्या है ऑल्सो *106, तो फर्स्ट टाइम जब स्टार अप्लाई हुआ तो फर्स्ट *106 से रेफर क्या हो रहा है इस ब्लॉक का नेम, स्पेशली याद रखना इस केस में *106 क्या लाइक अ ब्लॉक नेम, और ब्लॉक नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया है ब्लॉक का बेस एड्रेस और ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 और 4 का एड्रेस क्या है 106, तो इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा 106, लेकिन फर्स्ट केस में 106 से कितने बाइट्स को रेफर कर रहा था, स्पेशली याद रखना 6 बाइट्स, और सेकेंड केस में 106 कितने बाइट्स को रेफर कर रहा है 2 बाइट्स, दिस द डिफरेंस, फर्स्ट टाइम 106 पूरे ब्लॉक का एड्रेस था कंप्लीट ब्लॉक, लेकिन इस केस में 106 से कंप्लीट ब्लॉक का एड्रेस है और एलिमेंट का एड्रेस मीन जब भी 106 बार बार स्टार से रिप्लेस होगा तो इस केस में आउटर टू इनर की तरफ चलोगे, मीन सबसे पहले एड्रेस से रिप्रेजेंट करोगे आउटर मीन कंप्लीट ब्लॉक, देन उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, इस टाइप से अगर आप इंटरप्रेट करोगे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इन दैट केस, तो इस केस में अगर इस प्लेस ऑफ 1 होता तो इंक्रीमेंट कितने से होता 2 से, लेकिन यहाँ 0 इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अगेन फिर से क्या जाएगा *106, लेकिन *106 नेक्स्ट टाइम इसका 2 बाइट का नेम, और 2 बाइट के नेम्स के साथ जब स्टार अप्लाई करो तो उससे क्या रिप्लेस होगा इस एलिमेंट का वैल्यू, 106 में वैल्यू क्या स्टोर है 4, फाइनली स्पेस फ्री क्या जाएगा ऑल्सो 4, लास्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा 4, मीन्स फाइनली इन दोनों ही टर्म्स के मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम, क्लियर, स्पेशली याद रखना दोनों टर्म्स कैसे हैं सेम, फर्स्ट केस में भी क्या है 4 और लास्ट केस में भी क्या है ऑल्सो 4, अगेन इन दोनों टर्म्स के मीनिंग सेम कैसे हैं इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू स्टार पी ऑफ 0, क्लियर, देन दिस कैन बी रिटन एज स्टार P+0, मीन्स इसको इस टाइप से राइट करना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है ऑफ 0, देन नेक्स्ट वन इस केस में इसका फॉर्म क्या है *A+I, और *A+I किसके इक्विवेलेंट होता है
a of i, जिस टाइप से a of i के प्लेस पर स्टार a प्लस i राइट करना पॉसिबल है, सिमिलरली स्टार a प्लस i के प्लेस पर a of i राइट करना पॉसिबल है। इस केस में स्टार p प्लस 0 को आप कैसे राइट करोगे, p ऑफ 0, तो इसके प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, जस्ट p ऑफ 0, ऑलरेडी इसके साथ क्या है 0, तो इसका मीनिंग क्या है सेम, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट प्रिंट टाइप को इंटरप्रेट करेंगे, क्लियर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूज हो रहा था ना, आप सबसे पहले प्रिंस पॉइंटर्स के केस में, पॉइंटर और एरे में मैंने जितने भी प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो सारे प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस केस में यूज हो रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप पॉइंटर और एरे के कंप्लीट वीडियो सेशन कंप्लीट करो, देन आपके लिए इस लेवल के क्वेश्चन समझना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, सेकेंड केस में प्रिंट टाइप के अंदर अगेन क्या डिस्प्ले कर रहा है, पी ऑफ वन ऑफ जीरो एंड पी वन वन, काफी इंटरेस्टिंग केस है ये भी। फर्स्ट केस में क्या, पी ऑफ वन ऑफ जीरो डायरेक्टली आपके लिए बताना पॉसिबल नहीं, इस केस में पी ऑफ वन ऑफ जीरो के प्लेस पर वैल्यू क्या आएगा, लेकिन इसको जब आप पॉइंटर्स के फॉर्म में ओपन करोगे देन आपके लिए इसका मीनिंग समझना पॉसिबल, इसका कन्वर्ट क्या होगा, पी प्लस वन प्लस जीरो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, क्लियर। नेक्स्ट वन, पी के प्लेस पर फर्स्ट टाइम रिप्लेस क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू, पी के अंदर करंटली क्या स्टोर है 106 प्लस 1, अब स्पेशली इस केस में आपको याद रखना होगा कि 106 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है या इस थ्री एलिमेंट का एड्रेस है, मीन्स इस केस में 106 पी के थ्रू रिप्लेस हुआ, पी कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री एलिमेंट, तो 106 भी कितने बाइट्स को रेफर कर रहा है, इस केस में थ्री एलिमेंट का एड्रेस, क्लियर, थ्री एलिमेंट का एड्रेस है और थ्री एलिमेंट का साइज क्या है 6 byte, या आप क्लियरली चेक कर सकते हो इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, पी में, और पी में जब इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, पी के केस में पी का साइज के लिए तो हम 3, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा 6 byte से, क्योंकि पी के थ्रू कितने एलिमेंट पॉइंट हो रहे हैं 3 elements, और वी कैन से पी के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं 6 bytes, तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा इस केस में 6 है, क्लियर। इस प्लेस पर फाइनली क्या आएगा 6106 प्लस 6112 प्लस 0, तो नेक्स्ट टाइम 0 से एडिशन कराओ नथिंग, देन इस केस में फाइनली क्या आपके पास स्टार स्टार 112, इस केस में अगेन चेक कर सकते हो 112 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 112 इस पूरे ब्लॉक का भी एड्रेस हो सकता है और 112 इस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस है, मीन्स इस केस में इसका नेम क्या जाएगा स्टार 112 7 का, और इस पूरे ब्लॉक का भी नेम क्या है ऑल्सो स्टार 112, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट स्टार अप्लाई होगा तो मीन्स फर्स्ट स्टार 112 से क्या रिप्रेजेंट होगा इस ब्लॉक का नेम, और ब्लॉक नेम के प्लेस पर क्या आएगा ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट कौन है इस केस में 7, और 7 का एड्रेस क्या है 112, तो याद रखना इस स्टार 112 के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा जस्ट इसे ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ब्लॉक का एड्रेस और एलिमेंट का एड्रेस हमेशा सेम होता है, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन आपको प्रॉपरली इनको सेपरेट रखना होगा। तो फर्स्ट टाइम इससे कितने बाइट का एड्रेस रिप्रेजेंट होता है 6 byte का, नेक्स्ट टाइम क्या मीन फर्स्ट टाइम 112 से क्या रिप्रेजेंट हुआ 6 byte का एड्रेस, जैसे इस प्लेस पर इस ब्लॉक का एड्रेस आ गया, ब्लॉक का भी एड्रेस क्या 112, लेकिन 112 कितने बाइट्स को रेफर कर रहा है 2 bytes, यहाँ स्टार 2 bytes के लिए अप्लाई हुआ है, 2 bytes के लिए जब स्टार अप्लाई करो तो स्पेस और वैल्यू क्या है 7, तो इसलिए स्पेशली याद रखना इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा 7। सेम है इन सेकंड केस, सेकंड केस में क्या 1 1, तो 1 1 का भी केस ऑलमोस्ट सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है स्पेस पर क्या है 0 के प्लेस पर 1, तो यहाँ 0 जहाँ यूज किया था उस प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट 1 and 1, तो प्रीवियस केस में आपको याद हो अप टू दैट प्लेस, इस प्लेस तक इस प्लेस पर क्या है जस्ट 1, स्टार 112 के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या होगा 112 प्लस 1, लेकिन प्रीवियस केस में 106 कितने बाइट को रेफर करता था 6 byte को, लेकिन 112 कितने बाइट का एड्रेस ओनली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एलिमेंट का साइज क्या 2 byte, या 112 कितने बाइट का एड्रेस है जस्ट 2 byte, या जब 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा मल्टीप्लाई बाई 2, 112 प्लस 2 इज 114, क्या आएगा स्पेस पर स्टार 114, स्टार 114 मीन्स एलिमेंट के एड्रेस में इंक्रीमेंट कराया तो उसे जनरेट क्या हो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 114, इसका नेम क्या हो सकता है स्टार 114, इस प्लेस पर वैल्यू क्या है 8, तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर जस्ट फाइनली डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू है 8, दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड।